कि कैसे जिंदगी के हर एस्पेक्ट को, हर आयाम को, हर कार्य को। आजकल बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, जहाँ भी जाता हूँ जब ध्यान की चर्चा होती है, लोग पूछते हैं कि गुरुदेव ध्यान तो बहुत कठिन काम है, ये होता ही नहीं। कोशिश करते हैं लेकिन फिर 4-6 दिन में छूट जाता है। वास्तव में ये समस्या है और इसका मूल कारण यही है कि मनुष्य की जीवन ऊर्जा के दो द्वार हैं, लेकिन जिसकी जीवन ऊर्जा मूल आधार से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है और सहस्रार तक पहुंच जाती है। सदगुरु, आपकी साइंस डिवाइन विद्यापीठ जो है उसमें जो प्रवेश करता है बच्चा, वो किस आयु वर्ग का होता है जिसको आप ध्यान करवाते हैं? बाल्यावस्था में बच्चों को ध्यान सिखाने के लिए ध्यान की तरह तरह की विधियाँ मैंने विकसित की हैं। उसका सारांश सिर्फ इतना ही है, 8 साल से कम उम्र के बच्चों को 24 घंटे के जीवन में खेल पूर्ण होने की दिशा में सक्रिय करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वही ध्यान बन जाता है। और 8 वर्ष के बाद बच्चों को तकनीकी ढंग से ध्यान करने की व्यवस्था की जानी चाहिए, उन्हें ध्यान सिखाया जाना चाहिए, जिसके कई प्रकार हैं। ध्यान के कुल 112 विधियां हैं, जिनमें से कोई एक विधि उनकी आवश्यकता के अनुरूप दी जानी चाहिए। नर्सरी स्टेज से ही बच्चे प्रवेश करते हैं और 5th क्लास तक हम उनको खेलपूर्ण होने की ही शिक्षा देते हैं कि कैसे जिंदगी के हर एस्पेक्ट को, हर आयाम को, हर कार्य को खेल के भाव से करें। और इसके तरह तरह के तरीके हैं जो उनको सिखाए जाते हैं। अभी पिछले दिनों मैं डॉक्टर आचार्य देवव्रत जी जो हैं गुजरात के राज्यपाल, उनसे मिला तो वो बात कर रहे थे कि बच्चे का अर्थ है जो हर बुराई से बचा हुआ है। वही आपने बात कही कि जब बच्चे को, जब उसका सेक्स का द्वार सक्रिय होने से पहले यदि उसको ध्यान दिला दी जाए तो उस ओर अग्रसर नहीं होगा, यदि होगा तो वो सही उद्देश्य के साथ उसको करेगा, संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से करेगा। आजकल बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं, जहाँ भी जाता हूँ जब ध्यान की चर्चा होती है, लोग पूछते हैं कि गुरुदेव ध्यान तो बहुत कठिन काम है, ये होता ही नहीं। कोशिश करते हैं लेकिन फिर 4-6 दिन में छूट जाता है। वास्तव में ये समस्या है और इसका मूल कारण यही है कि मनुष्य की जीवन ऊर्जा के दो द्वार हैं। एक द्वार है जिससे ऊर्जा मूलाधार से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, जिसे सेक्स कहते हैं। दूसरा द्वार है ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है, जो हमारे विभिन्न चक्र हैं, स्वादिष्ठान चक्र है, नाभि चक्र है, फिर अनाहत चक्र है, विशुद्धि चक्र है, फिर सहस्रार। तो ऊर्जा मूलाधार से ऊपर उठती हुई सहस्रार तक पहुंचती है। दो ही मार्ग हैं ऊर्जा के बहिर्गमन के, एक द्वार है मूलाधार और दूसरा द्वार है मूलाधार से सहस्रार की ओर। तो जब ये ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तब स्वयं को नया जन्म देती है, द्विज बनाती है। कहते हैं ना, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण। तो अध्यात्म के वैज्ञानिकों का कहना है कि जन्मना जायते शूद्रो, जन्म से तो सारे शूद्र पैदा होते, लेकिन जिसकी जीवन ऊर्जा मूलाधार से ऊपर की ओर प्रवाहित होने लगती है और सहस्रार तक पहुंच जाती, तब उसे नया जन्म मिलता है, दूसरा जन्म मिलता है, जिसके फलस्वरूप वो द्विज बनता है। ब्राह्मण वो है, जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता। तो जब ये ऊर्जा ऊपर की तरफ पहुंचती है तो स्वयं को नया जन्म देती है, और यही ऊर्जा मूलाधार से नीचे की तरफ प्रवाहित होती है, बेटा बेटी पैदा करती है। क्या बात है, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हाँ, प्रेम को जन्म दे, जब नीचे की ओर ऊर्जा प्रवाहित होती है तो बेटा बेटी को पैदा, बेटा बेटी को जन्म देती है। तो पहले तो आपको स्वयं को नया जन्म देना चाहिए ताकि आप परम आनंद को प्राप्त करने की दिशा में यात्रा कर सके। उसके बाद बाल बच्चे पैदा करिए, बेटा बेटी।